सुरेश शक्ति किचन में आपका बहुत। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ आपके दांतों के दर्द के बारे में। फ्रेंड्स, आपके दांतों में दर्द रहता है या मसूड़ों में सूजन आ जाती है? अगर हम कोई भी बादी चीज आप खा लेते हैं तो मसूड़े एकदम से सूज जाते हैं, उनमें से खून निकलने लगता है या मुंह से आपके दुर्गंध आ रही है, दांतों में पायरिया की समस्या होना शुरू हो गई है, पायरिया लग गई है, इन सभी समस्याओं से छुटकारा आप इस घरेलू उपचार से पा सकते हैं। बच्चों के दांतों में कीड़े लग जाते हैं क्योंकि वो कुछ खाते हैं और ब्रश करने में आलस कर जाते हैं, जिससे कि बच्चे जो होते हैं उनके दांतों में कीड़े लग जाते हैं, तो ये उनको भी आराम दिलाएगा। इसको बनाना भी बहुत ही आसान होता है और ये एक ही बार में आपको बहुत रिलैक्स देगा। और जब आप इसे कुछ दिन तक यूज कर लेंगे, 4 से 5 दिन तक, तो आप मान के चलिए आपकी समस्या बिल्कुल ही जड़ से खत्म हो जाएगी। तो फ्रेंड, आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, उसमें से ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इसके लिए फ्रेंड्स, हमको चाहिए है लौंग जो होती है, इसमें एक ये फूल होता है ऊपर से, इसको हमें उतार लेना है, इसको रखना नहीं है, इसको इस तरीके से हटा लेंगे, ऐसे। इस तरीके की लौंग हमको चाहिए, इस तरीके की हमें 4 लौंग चाहिए, तो हम 4 लौंग इसमें से ले लेते हैं। अब फ्रेंड्स, गैस ऑन कर लेंगे और एक बर्तन लेंगे, इसमें 1 गिलास पानी लेंगे और इसमें 4 लौंग जो मैंने ली थी उनको डाल देंगे और इनको 5 मिनट तक पकने और फ्लेम को मीडियम। अब फ्रेंड, आप देख सकते हैं 5 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। अब इसका कलर थोड़ा सा बदल गया है क्योंकि लौंग ने अपना असर इसमें छोड़ दिया है। अब हम फ्लेम बंद कर देंगे और इसको 5 मिनट के लिए ठंडा करेंगे। एकदम से ठंडा नहीं करना है, थोड़ा सा गुनगुना सा रखना है। अब 5 मिनट हो चुके हैं, इसको देख लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि लौंग का पूरी तरीके से रंग उतर आया है, उसका फ्लेवर भी उतर आया है। तो अब इसको एक गिलास में इस तरीके से छान लेंगे। अभी ये गरम सा है, जैसे हम लोग चाय पीते हैं, लेकिन एकदम चाय जितना गरम नहीं है, उसे थोड़ा सा ठंडा है, जिससे कि इसको हम आराम से पी सकें, ऐसा ठंडा। तो अब ये रेमेडी हमारी बनकर के तैयार हो गई है। अब इसको किस तरीके से हमें यूज करना है, आप सुबह इसको बना लीजिए इसी तरीके से। और अभी ये थोड़ा गुनगुना सा है, जितना कि हम अपने मुंह में आराम से डाल करके कुल्ला कर सकें, इस तरीके से इसको गुनगुना रखना है और इसको मुंह में भर लेना है 1 घूंट, और 1 घूंट भर करके उसको चारों तरफ मुंह में घुमाना है, जिससे कि हमारे मसूड़ों में और दांतों में ये अच्छी तरीके से अपना असर डाले। और एक बार मुंह में भरेंगे, चारों तरफ घुमाएंगे, फिर उसका कुल्ला कर लेंगे, फिर दोबारा फिर भरेंगे, फिर मुंह में घुमाएंगे चारों तरफ, फिर उसका 30 से 40 सेकंड बाद फिर उसका कुल्ला कर लेंगे। इस तरीके से आपको पूरा गिलास खाली कर लेना है। जब आप उसको एक बार यूज कर लेंगे, आपको असर पूरा पूरा एक ही बार में मिलेगा, लेकिन आप हमेशा के लिए आराम चाहते हैं तो ये कम से कम आप 1 हफ्ते तक जारी रखें। हो सके तो आप ये सुबह और शाम दोनों टाइम करें, और ना हो सके, आपके पास टाइम ना हो, तो आप सुबह सुबह कर सकते हैं या शाम शाम एक बार भी कर सकते हैं। और इसके बाद आप 3 से 4, जब आप 1 हफ्ते कर लें, फिर इसके बाद आप इसको 3 से 4 दिन बाद फिर इसको कर लें, फिर 2-3-4 दिन बाद कर लें छोड़ छोड़ करके, तो आपको बहुत आराम मिलेगा और आपको दांतों से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं वो आपकी सारी ठीक हो जाएंगी। और जो मुंह से दुर्गंध आती है वो भी आनी बंद हो जाएगी, मसूड़े जो फूल जाते हैं, सूजन आ जाती है, उनमें से ब्लड आने लगता है, वो भी समस्या दूर हो जाएगी और दांतों का दर्द भी बिल्कुल आपका। इसी के साथ साथ आप और अच्छा रिजल्ट पाना चाहते हैं तो आप क्या करें, जिस दांत में आपको दिक्कत है, जिसके नीचे कीड़ा लग गया है या जिसमें स्वेलिंग आ गई है, जिस मसूड़े के नीचे, तो उसके नीचे आप 1 लौंग रख लीजिए, लेकिन आप उसका फूल निकाल लें, इसका ध्यान रखें, क्योंकि फूल बहुत गर्म होता है तो वो आपको गर्म कर सकता है, और जो उसकी पीक बने, रस बनता है, जो
तो उसको आप थूक दें, उसको निगले नहीं। और एक आप अदरक का टुकड़ा भी ले सकते हैं, आप कच्चा अदरक का टुकड़ा लीजिए, उसको धुल करके छील करके आप उसी स्थान पर रख लीजिए, इससे आपको बहुत और तुरंत ही आराम मिलेगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा और सभी के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे कि लोगों को इससे लाभ मिले ज्यादा से ज्यादा। और आपको, आप भी यूज कीजिएगा, जब आपको लाभ मिले तो कमेंट्स करके जरूर लिखिएगा कि आपको कैसा लाभ मिला, कितने दिन में लाभ मिला। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।